वही शून्य, वही इकाई जिसके भीतर बसा शिवाय, जय भोलेनाथ। अमरनाथ यात्रा शुरू होने की खबरों के बीच जम्मू में पारंपरिक तौर से बाबा अमरनाथ यात्रा की पूजा संपन्न की गई। आपको बता दें कि हर साल अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले कश्मीर के चंदनवाड़ी में होती है, जो कि इस बार जम्मू में श्राइन बोर्ड के कार्यालय में संपन्न हुई। इसी बीच हम आपको श्राइन बोर्ड के सीईओ की जुबानी सुनवाते हैं कि कब शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। ये जैसे हर साल की जाती है वैसे हुई है और अपने वक्त पे हुई है। अब आप लोगों को पता तो है पूरी दुनिया में जो महामारी फैली हुई है उसको देखते हुए जो मुनासिब होगा वैसे यात्रा होगी। अभी तक कुछ फैसला हो पाया है क्योंकि एक्चुअली प्रिपेयरनेस जो है वहाँ पे ऑन ग्राउंड होना बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी तक क्या हो पाया है, क्या चांसेस हैं? कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं क्योंकि लॉकडाउन रहा, उसके बाद लेबर जो थी वो नहीं मिल रही थी। प्रिपरेशंस अपनी तरफ से काफ़ी हद तक चल रही हैं, जितनी प्रिपरेशंस हो जाएंगी उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। बोर्ड इस पर विचार कर रहा है कि चाहे जैसे भी हो, जितने कम समय के लिए हो या फिर कम लोगों के लिए हो, इसको शुरू किया जाए ताकि जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स हैं वो बने रहे। नहीं, पूरे रिलीजियस सेंटीमेंट्स बने हुए हैं, इसीलिए आज प्रथम पूजा अपने वक्त पे हुई है और आगे भी यात्रा जो है जो मुनासिब तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और जो जैसे हालात बन रहे हैं उसी हिसाब से यात्रा की। प्रथम पूजा में बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के साथ विश्व हिंदू परिषद और अन्य सामाजिक संगठनों के लोग भी शामिल हुए। देखिए, सबसे पहले तो मैं चेयरमैन श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, जो इस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री जीसी मुर्मू हैं, और उनके साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और श्राइन बोर्ड के सभी स्टाफ को शुभकामनाएं देता हूं कि एक परंपरा को बनाए रखने के लिए जो पूजा चंदनवाड़ी या होली केव पे हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा पे होती थी, कोविड की वजह से क्योंकि वहाँ हम नहीं जा सकते हैं, जो यात्रा और भोले शंकर के प्रति श्रद्धा है श्राइन बोर्ड के सभी लोगों की और जो लोग इसके साथ जुड़े हैं, उस श्रद्धा को बरकरार रखते हुए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यहाँ पर इस पूजा का आयोजन किया गया है। हम सभी इस पूजा में शामिल हुए हैं। इसके साथ साथ क्योंकि 8 तारीख से मंदिर और सारी धार्मिक स्थल खुलने की गाइडलाइंस केंद्र सरकार ने जारी कर दी हैं और श्राइन बोर्ड से भी हमने आग्रह किया है कि इन गाइडलाइंस के मद्देनज़र, जो कि नई गाइडलाइंस केंद्र सरकार ने दी हैं जिसमें मंदिर तीर्थ यात्राएं सारी खोली जा सकती हैं, उनके मद्देनज़र अतिशीघ्र और जो बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज दी जा सकती हैं उसके मुताबिक यात्रा शुरू की जाए। भोलेनाथ के भक्तों के मन में हमेशा उनकी छवि रहती है, इसीलिए अगर आप यात्रा शुरू होने के बाद भी यात्रा पर नहीं जा पाते तो आप निराश ना हो और बस हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।